ये क्वेश्चन गेट 2021 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास सी लैंग्वेज का कोड गिवन है, उसमें फाइव स्टेटमेंट्स हैं, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ई इज इक्वल टू ए प्लस वन, डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, एफ इज इक्वल टू डी प्लस वन एंड जी इज इक्वल टू ई प्लस एफ। आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ नोड्स इन डैग। डैग क्या होता है भाई, वही डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। पूरा क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, बस ये आपको पता होगा शायद, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ कंपाइलर डिजाइन में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की टाइप होती है ना, रादर ये एक स्पेशल टाइप है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री का। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में क्या होता था, जो भी नोट्स है हम उनको रीयूज नहीं करते, हम अलग अलग नोट्स बना लेते थे, बट डैग में क्या करते हैं, हम लोग रीयूज करने की कोशिश करते हैं नोट्स को। ठीक है, मैं अभी बना के दिखाता हूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ये बी और ये सी दो नोड्स हो गई और इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लिया। ठीक है, बी प्लस सी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे हम लोग, ए से। ठीक है, दिस इज आवर ए। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब क्या कह रहे हैं, ई इज इक्वल टू ए प्लस वन, ए रेडी है हमारे पास और प्लस करो और ये रहा वन, सो इट विल बी ई। ठीक है, अच्छा उसके बाद डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बस यही डिफरेंस आएगा। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता तो बी और सी में अलग अलग बना लेता, यहाँ पे बी ये सी और प्लस ऐसे करके मैं काम करने की कोशिश करता, बट क्योंकि ऑलरेडी मैं बी प्लस सी कर चुका हूं तो हम उसको रीयूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे ए कॉमा डी लिख दूंगा, मतलब ए भी यही है और डी भी यही है। ठीक है, क्योंकि सेम है, आप समझ पा रहे हो ये चीज, तो बस यही रीयूज करना आपको आना चाहिए था। एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन गेट में पहले भी आया हुआ है, तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो धोखा हो सकता है आपके साथ, आप बी प्लस सी पहले कर चुके हो फिर दोबारा से आप बी प्लस सी करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करके जो जब भी आप गेट का एग्जाम लिख रहे हैं, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं, तो ये भी जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो वहां पे भी इसी टाइप से क्वेश्चन बना रखा था और रीयूज करके दिखा रखा था, तो आपको रीयूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा जी, एफ इज इक्वल टू डी प्लस वन, डी रेडी है प्लस वन रेडी है, तो ई तो आप पहले कर चुके हो ना, देखो ई क्या था ए प्लस वन, और ए और डी सेम है तो पक्की बात है डी प्लस वन वही एफ भी हो जाएगा, समझ रहे हो, तो यही ई है और यही एफ है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल सी बात है। ओके नेक्स्ट, नहीं तो देखो जैसे अगर आप ऐसे देखते ना ए प्लस वन और डी प्लस वन तो अलग अलग आपको लगेंगे, बट एक्चुअली ये सेम है क्योंकि ए और डी लगभग सेम काम कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी इज इक्वल टू ई प्लस एफ, ई और एफ यही रहे है ना, यही ई है और यही एफ है, तो जी क्या है भाई, ई प्लस एफ है, तो लो हम यहां से एज ऐसे डाल देते हैं लाइक दिस। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो बस आपको क्या बतानी थी, नोट्स बतानी थी, तो नोट्स देख लो भाई, एक दो तीन चार पांच छह, तो टोटल छह नोट्स हैं इसके अंदर। अगर आपसे एजिस पूछ लेते तो एजिस भी एक दो तीन चार पांच छह, टोटल छह एजिस हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है गेट में, तो आपको ध्यान रखना है। मेन चीज है डैग बनाना आना चाहिए, अगर आपको डैग बनाना आता तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे, तो बहुत सिंपल बात है नोट्स गिनना और एजिस गिनना। ठीक, अधिक समझ में आ गया होगा। बस की पॉइंट इस क्वेश्चन का क्या था, रीयूजेबिलिटी। डैग रीयूज करवाता है बट एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री नहीं करवाता। ठीक, आपको ये चीज याद रखनी है। वैसे कंपाइलर डिजाइन में जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो वहां सब कुछ अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, ओके, थैंक यू।